गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राहुल सिंह एंड टुडे वी आल्सो रीड अबाउट चैप्टर 5 वर्ब्स क्रिया। जैसे कि पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज बी ए को क्या कंप्लीट कर चुके हैं और इसका डिफिनेशन भी पढ़ाया जा चुका है, तो आइए आज एक्सरसाइज सी को देखते हैं। एक्सरसाइज सी, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज विथ सुटेबल वर्ब्स फ्रॉम द वंस गिवन इन ब्रैकेट्स। मतलब क्या है, नीचे जो फिल इन द ब्लैंक्स है उनको फिल करना है, जो दो वर्ब्स दिए गए हैं उनमें से एक को जो सुटेबल हो, जो उनके लिए सही हो, उनको क्या करना है, चूज करके क्या करना है, उसमें फिल करना है। तो फर्स्ट क्या है, माई डॉग्स वैक्स वैग, माई डॉग इट्स टॉल व्हेन इट सी मी। तो क्या है, माई डॉग क्या है, सिंगुलर है, केवल एक कुत्ता है, तो इसमें क्या लगेगा, वैक्स यानी एस लगेगा, यानी मेरा कुत्ता जब मुझे देखता है तो क्या करता है, अपनी पूंछ हिलाता है। ओके, तो माई डॉग, ओनली माई डॉग, केवल एक है, तो इसके लिए क्या वर्ब में क्या एस ऐड करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, वैक्स। ओके, सेकेंड हेंस एक्स, तो ये हेंस क्या है, यहाँ पे क्या हेंस प्लूरल हो गई, मुर्गियाँ क्या करती हैं, अंडे देती हैं, तो क्या होगा यहाँ पे, ले नहीं, ले ओनली ले होगा। ओके, थर्ड माई ब्रदर ए ब्लू कार, माई ब्रदर, तो इसमें क्या हो जाएगा, ड्राइव या ड्राइव्स, इसमें क्या हो जाएगा, माई ब्रदर मेरा भाई, केवल क्या होगा यहाँ पे सिंगुलर है, माई ब्रदर क्या है, सिंगुलर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ड्राइव्स, माई ब्रदर ड्राइव्स ए ब्लू कार, मेरा जो भाई है क्या कर रहा है, एक नीली कार चला रहा है। ओके, फोर्थ वी मस्ट अवर टीथ ट्वाइस ए डे, वी मस्ट मतलब हमें, यहाँ पे क्या हो गया, वी क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे वर्ब में क्या एस यानी प्लूरल, ब्रश ओनली ब्रश, वी मस्ट ब्रश अवर टीथ ट्वाइस ए डे, हमें क्या करना चाहिए, दिन में दो बार अपने दांत को साफ करना चाहिए। ओके, फिफ्थ रेन ड्रॉप्स फॉल इन योर रूफ, रेन ड्रॉप्स यानी रेन ड्रॉप्स बारिश की बूंदे, ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो इसमें क्या, ये क्या होगा, सिंगुलर नाउन यानी फॉल, रेन ड्रॉप्स प्लूरल हो गया, तो इसमें एस या एस नहीं लगेगा, ओनली फॉल, रेन ड्रॉप्स फॉल ऑन योर रूफ, जो बारिश की बूंदे हैं क्या हैं, हमारे छत पे गिरती हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन एक्सरसाइज डी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ब्स फ्रॉम दोज गिवन बिलो। जो क्या है, इक्त स्थान की पूर्ति करिए, इनमें से क्या जो गिवन वर्ब्स दिए गए हैं करेक्ट वर्ब्स, इनमें से चूज करके क्या करना है, फिल करना है। फर्स्ट दीपक इज ए फ्रेंडली बॉय, दीपक क्या है, दीपक इज ए फ्रेंडली बॉय, ही एट एवरी वन, यहाँ पे क्या है, दीपक मल्ली क्या है, सिंगुलर है, तो इसमें क्या करेंगे, स्माइल्स, दीपक इज ए फ्रेंडली बॉय क्या है, दीपक एक बहुत ही अच्छा लड़का है, वो क्या करता है, सबको देख के क्या है, वह सब पे हंसता है, यानी वो सबको देख के मुस्कुराता है। ओके, माई अंकल इज ए काइंड, माई अंकल इज काइंड, मेरे चाचा क्या है, बहुत दयालु है, मेरे चाचा दयालु हैं, ही ऑल इज फ्रेंड्स, माई अंकल यानी ओनली सिंगुलर हैं, तो इसमें क्या लगेगा, वर्ब्स में एस सी आई एस, जैसे फर्स्ट में दीपक इज फ्रेंडली बॉय, दीपक क्या है, एक अच्छा लड़का है, यानी वो एक दोस्ताना लड़का है, वो क्या होगा, इसमें दीपक ओनली वन है, तो इसमें क्या होगा, वर्ब में एस सी आई एस ऐड करेंगे। वैसे सेकेंड में माई अंकल इज काइंड, मेरे चाचा क्या है, दयालु हैं, ही ऑल इज फ्रेंड, ही हेल्प्स, वह क्या करते हैं, दूसरों की, वह सभी की, सभी दोस्तों की क्या करते हैं, अपने दोस्तों की मदद करते हैं, यानी वो अपने सभी दोस्तों की मदद करते हैं, इसमें भी क्या लगेगा, हेल्प्स, यानी वर्ब्स में एस या एस लगेगा। ओके, थर्ड मालिनी इज ए हेल्पफुल गर्ल, मालिनी क्या है, एक बहुत ही मददगार लड़की, यानी एक मालिनी जो क्या है, बहुत मदद करने वाली लड़की है, ही हर क्लासमेट्स लाइक हर, उसकी क्या, उसके जो सहपाठी हैं क्या करते हैं, उसे पसंद करते हैं, हर क्लासमेट उसके सहपाठी, यहाँ पे क्या हो गया, क्लासमेट्स यानी ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो इसमें क्या लाइक ओनली लाइक होगा, इसमें एस आई एस नहीं होगा, हर क्लासमेट्स लाइक, उसके जो सारे सहपाठी हैं क्या हैं, उसे पसंद करते हैं। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए एस आई एस नहीं लगेगा। ओके, मटिल्दा इज ए क्लेवर गर्ल, मटिल्दा क्या है, बहुत चालाक लड़की है, सी रीड्स वेरी फास्ट, वह क्या करती है, बहुत तेज पढ़ती है, यहाँ पे रीड नहीं, क्या होगा, रीड्स होगा, क्योंकि सिंगुलर यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा,
कि रीड्स लगेंगे, ओके। फिफ्थ, माई फ्रेंड हैज हेल्दी हैबिट्स, मेरा दोस्त क्या है, जो आदतें हैं क्या हो, वो बहुत अच्छी हैं। ही हिज हैंड्स बिफोर ईटिंग, वह क्या करता है खाने से पहले, क्या करता है अपने हाथ धोता है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी सिंगुलर है, तो यहाँ भी वर्ब्स में क्या लगेंगे, यस या यस लगेंगे, ओके। यहाँ पे क्या, ही वॉशेज हिज हैंड्स बिफोर ईटिंग, वह खाने से पहले क्या करता है अपने हाथ धोता है, ओके। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।